दरअसल वो अब आशिर आएगा इतने अरसे बाद, तो कुछ वक्त तो लगेगा उसे यहाँ सेट होने में। और तुम जानते तो हो कि नौकरी से बेहतर तो कारोबार ही होता है। दो दुकानें मिल जाएंगी तो वो बहुत अच्छा काम शुरू कर सकता है उनमें। आप प्लीज़ चले जाएं यहाँ से और दोबारा पलट कर मेरी ज़िंदगी में मत आइए। कभी गलती से अगर हमारा आमना सामना हो भी जाए तो मुझसे ऐसे मिलिएगा जैसे किसी अजनबी से मिलते हैं। अगर खाला और मानूर इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रमशा कॉलेज जा सकती है, लेकिन उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कहाँ रह गए ये लोग? कितने दिन बाद देखूंगी मैं इसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दिखाए। मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने को। अरे पप्पो, इस टेक्नोलॉजी के दौर में अगर आप आंखें तरसवा रही हैं इसको देखने के लिए, तो मेरे ख्याल से आपकी हालत पे मुझे अफसोस ही करना चाहिए। बस रहने दो, वीडियो कॉल से कभी किसी माँ के दिल को तसल्ली हुई है आज तक? बात तो ठीक है, तो हो गई ना तसल्ली, आ गया हूँ वापस हमेशा के लिए। आप मुझे एक बात बताएं, जब मैंने आपसे कहा था मुझे एयरपोर्ट लेने कोई नहीं आएगा तो ये क्यों आए? मैं आ जाता वापस, क्यों जहमत दी आपने इन्हें? अरे यार, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? और वैसे भी अब तुम्हारा मेरा कोई एक रिश्ता तो है नहीं, दो रिश्ते। अब अपनी जिद्दी साली के होने वाले शोहर के नाज नखरे मैं नहीं उठाऊंगा तो और कौन उठाएगा भाई? खैर सकलैन बेटा, महनूर को तो तुम और अरीबा बैठ कर समझाना कि लड़कियां इतना जिद करती हुई अच्छी नहीं लगती, और शादी के बाद ना मर्द की ही चलती है और मर्द ही जचता है अपनी चलाते हुए। अब तुम खुद को ही देख लो, अरीबा तुम्हारी कितनी सुनती और कितनी बातें मानती है। अरे पप्पो, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि मानूर और अरीबा में जमीन आसमान का फर्क है। अरीबा को इस बात का गुरूर नहीं है कि वो बहुत पढ़ी लिखी है या फिर उसको दुनिया फतह करने का खब सवार, जबकि मानूर वो तो बड़े बड़ों को घास नहीं डालती, किसी गिनती में नहीं रखती। अब आपको याद होगा ना कैसे उसने आपके मुंह पर आशिर के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था, जबकि अगर देखा जाए तो साहबजादे ठीक ठाक ही हैं। मैं थका हुआ हूँ, रेस्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटे, तुम आराम करो, मैं तुम्हारी चाय कमरे में भेज दूंगी, ठीक है? किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं बस सोना चाहता हूँ। क्या करते हो सकलैन? क्या जरूरत थी पुराने जख्म ताजा करने की, वो भी आशिर के सामने इस वक्त? मैंने ऐसा क्या कह दिया? अब आपने मानूर को समझाने की बात की तो उसी हवाले से मैंने ये बात की है, और तो कुछ नहीं कहा मैंने। फिर भी रिश्ते से इनकार वाली बात तो मत दोहराते तुम इस वक्त इसके सामने। शादी में एक हफ्ता है और तुमने ना मेरे बच्चे का दिल खराब कर दिया है, याद दिला के कि महनूर ने इनकार किया था शादी से उसे। अब ये जिक्र तो बार बार होगा, वो आशिर को जायदाद में हिस्सा लेना है तो उसे याद रखना होगा कि महनूर ने उसकी इंसल्ट की थी। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप भी आराम करें, मुझे भी ऑफिस में काम है, चलता हूँ। ठीक है। शादी की डेट फिक्स कर दी गई है, तुमने सोचा था ना रुख्सत ही नहीं कराओ, सारी उम्र अपने नाम पर बैठा होगा।
आओ बेटा। ये सब क्या है माही? ये मैंने तुम्हारे लिए जेवर निकाले हैं। लेकिन अम्मी, ये जेवरात तो आपके हैं ना? तुमने जहेज लेने से इनकार कर दिया था ना, तो मैंने सोचा अपने जेवरात तुम्हें शादी पर तोहफे में दे दूं। इन जेवरात पर मेरा अकेले का हक तो नहीं है माही? तुमने तो सारे हक लेने से मना कर दिया बेटा। माँ बाप भी ना इंसान होते हैं, फरिश्ते नहीं होते, उनसे भी गलतियां हो जाया करती हैं। ना चाहते हुए भी मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जिससे औलाद की दिल आजारी हो जाती है। मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा है ना माही, उसके लिए मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं प्लीज, ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कर। ऐसा मत कहें कि मैं खुद का सामना ही ना कर सकूं। आपने जो भी कहा मैं वो सब भूल गई हूँ। हाँ माही, तकलीफ को दूर करने के लिए ना तकलीफ से ही गुजरना पड़ता है। मैं तो चुपचाप अपनी औलाद को दर्द से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अपने घर में आबाद रखे, जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिले, तुम अपने मकसद में कामयाब हो। अरीबा के लिए सकलैन बहुत बड़ा सहारा है। इन हालात के बावजूद, जबकि अल्लाह ताला ने उसे औलाद की नेमत से महरूम किया, अल्लाह ना करे सकलैन ने अगर ना करे कैसी नौबत आए। आप जो कहना चाह रही हैं मैं समझ गई, और आपने ठीक कहा है, दर्द से निजात के लिए दर्द को सहना पड़ता है। बस इंसान को मजबूत होना चाहिए। अच्छा माई, तुम ये जेवरात रख लो बेटा और इनको अपनी तरह से बनवा लेना। लेकिन अम्मी, ये जेवरात अगर तुम मना करोगी ना तो मुझे बहुत दुख होगा। ठीक है, मैं ये जेवरात रख लेती हूँ, लेकिन मैं इनका डिज़ाइन चेंज नहीं करवाऊँगी। ये अबू ने बनवाए थे ना आपके लिए। ये जेवरात मेरे पास आप दोनों की निशानी के तौर पर रहेंगे। जीती रहो बेटा, खुश रहो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी, ऐसे कैसे सारा जेवर उठाकर मानूर को दे सकती हैं? शायद वो भूल रही हैं कि उस जेवर पर मेरा और रमशा का भी हक है। अरे भाई, ये जेवरात की बात तो फिर तुम्हें पता चल गई। खाला ने न जाने मानूर को खुश करने के लिए अपने खजाने से क्या कुछ दे दिया होगा जिसका तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा, और वो चुपचाप वहां से सब कुछ लेके चली जाएगी। अम्मी के पास कौन सा खजाना है? जो कुछ भी है आपके सामने है। भाई मैं तो उनके लिए कैशियर का काम करता हूँ, हर महीने कैश जमा करके उनके अकाउंट में डलवाता हूँ, जहाँ पे तुम्हारे वालिद की पेंशन के वो 1.5-2 लाख रुपए भी आते हैं। अच्छा सुने, मुझे ये बताएं कि आपको आइडिया है कि अम्मी के अकाउंट में कितने पैसे हैं? अरे भाई मुझे क्या पता होगा। हाँ अलबत्ता मुझे ये जरूर मालूम है कि पप्पो के कहने पर खाला ने जहेज के 10 लाख रुपए देने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी, और रही बात शादी के अखराजात की तो वो मेरे जिम्मे, वो दुकान के किराए वगैरह के साथ एडजस्ट हो जाएगा। और फिर देखना, खाला मानूर को हिस्सा भी दे देंगे। वैसे बहुत घुन्नी है मानूर, पहले सब कुछ मना करके किरदार में बहुत बड़ी बन गई, और अब देखे सब कुछ लेकर जा रही है। यही बात तो मैं तुम्हें हर वक्त समझाने की कोशिश करता हूँ। दोनों बहनों की बनिस्बत मानूर बहुत चालाकी से अपना काम करती है, आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर रही है वो खाला को। तुम और रमशा बेचारी मुंह देखते रह जाओगे। मैं क्या सोच रहा था कि मैं कुछ पैसे हर महीने अलग करके एक अलग अकाउंट में डाल देता हूँ, क्या पता रमशा की शादी तक कुछ रहे ना रहे। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, आप हमारे बारे में कितना अच्छा, कितना पॉजिटिव सोचते हैं। भाई मेरा है ही और कौन,
मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा, है ना? क्या तमाशा है, बंद कराए इसे, सर में दर्द है मेरे। अरे भाई शादी का घर है, अब खुशी के मौके पे ढोल तो बजेगा ना, और तुम्हारे सर में क्यों दर्द हो रहा है? जाओ जाके आराम करो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि आपने मुझसे पूछे बगैर शादी की डेट क्यों फिक्स की, और अब ये सब तमाशा। तो क्या तुमने शादी नहीं करनी थी? मैंने एक एक दिन गिन गिन के गुजारा है, मेरी आंखें तरस गई हैं तुम्हारी खुशियां देखने को। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा था, साल बाद 6 महीने बाद हो सकता था ये सब तमाशा। मैंने सिर्फ अपनी स्टडीज पूरी की हैं, अभी मैंने अपना जॉब ढूंढनी है, करियर बनाना है। मैंने बना लेना अपना करियर भी, हमारे घर के खर्च पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। अगर 6 महीने साल कुछ नहीं कमाओगे, घर बैठ जाओगे, तो भी इसी तरह ठाट की जिंदगी गुजार सकते हैं। बाकी महनूर के जहेज की रकम और उसकी जायदाद का जो हिस्सा भी तुम्हें मिलेगा ना, उससे तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर देना। नौकरी तो फिर भी गुलामी होती है ना, चाहे गवर्नर ही क्यों ना लग जाओ, अपना कारोबार अपना ही होता है। ठीक है, चाय भिजवाती हूँ, जाओ अपने कमरे में, ठीक हो जाएगा सर का दर्द। कुछ नहीं चाहिए, शोर अंदर ना आए। अम्मी आपने सारा जेवर उठाकर महनूर को दे दिया, मुझसे मशवरा किए बिना? जेवर मेरा था, मैंने दे दिया, इसके लिए मुझे तुम्हारे मशवरे या इजाजत की जरूरत नहीं थी अरीबा। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन वो जेवर आपको अब्बू ने बनवा कर दिया था ना, उस पर हम तीनों बहनों का बराबर का हिस्सा है, जैसे इस जायदाद पर। अरीबा मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे बगैर मांगे तुम्हें बहुत पहले दे चुकी हूँ बेटा। अम्मी जाहिर है आप मानूर को भी तो देंगी। अभी इसके मुतालिक मैंने सोचा नहीं, तुमने खुद ही तो कहा था मुझसे वकीलों की झंझट में पड़ा नहीं पड़ सकता। मेरे शौहर को तो सबने नौकर समझा हुआ है, फरमाइशें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, और हमें बदले में मिलता क्या है? तो आप बताएं रीबा भी, बदले में आपको क्या चाहिए? तुम दे ही ना दो कुछ, आप कहें तो सही, आपको क्या चाहिए? कई महीनों से लगी हुई तुम्हारी शादी की तैयारियों में, तुम तो अपनी इंटर्नशिप पूरी करने में लगी हुई थी, अपनी पढ़ाई में बिजी थी, कितने चक्कर लगाए मैंने बाजारों के, और सकलैन कितने बिजी रहते हैं, अब तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी भी उन पे आ गई है, अब ये काम भी उन्हें ही करना पड़ेगा। अरे बाबी मैं यही तो पूछ रही हूँ कि आपको और सकलैन भाई को क्या चाहिए इन एहसानात के बदले, मुझसे या फिर अम्मी से? कुछ नहीं चाहिए, तुम कुछ नहीं दे सकती, तुम तो हमें इज्जत भी इतनी कंजूसी से देती हो। अम्मी बस मैं ये चाहती हूँ कि उस जेवर में हम तीनों का बराबर का हिस्सा है, और वो हमें बराबर ही तकसीम किया जाए, क्योंकि सकलैन कहते हैं कि औलाद में किसी एक के साथ भी ज्यादती हो जाए ना, तो माँ बाप पर कयामत तक बोझ रहता है। बिल्कुल ठीक है, वैसे भी मैं वो सारे जेवर खुद नहीं रखना चाह रही थी, मैं काम करती हूँ वो जेवर ले आती हूँ, फिर अम्मी तुम्हारे और रमशा के सामने हम तीनों में तकसीम कर देंगे। माही कोई बात नहीं अम्मी, ये सब क्या हो रहा है बेटा, लाने दें उसे। हाँ भाई क्या सोचा है फिर, क्या इरादे हैं, जॉब करोगे या फिर मानूर की दुकानों पर बिजनेस करोगे? वैसे एक मशवरा दूं,
कोशिश करना है कि जो कुछ भी करो अपने बलबूते पे करो। मानूर बहुत बदलिहाज लड़की है, ताना देने से बाज नहीं आती। अम्मी भी बार बार मुझे यही बात बता रही थी कि मानूर आपके साथ बदतमीजी करती है। आखिर दुश्मनी क्या है, क्यों लिहाज नहीं करती? वो आपके रिश्ते का भी लिहाज नहीं करती। अरे यार क्या बताऊं तुम्हें, कहते हुए भी शर्म आती है। बता दीजिए मुझसे कैसी शर्म। वो उसका चक्कर चल रहा था एक अमीर लड़के से, काफी अय्याश किस्म का आदमी था। मुझे पता चला तो मैंने खाला से कहा, उसी बात को दिल पे लेके बैठी। महनूर का अफेयर चल रहा था। देखो मैं चाहता नहीं था तुम्हें ये बात बताना, मगर तुमने पूछ ही लिया है तो एक्चुअली तुम्हारे आने से कुछ दिन पहले ही वो लड़का घर पहुंच गया था। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है, और इसमें मानूर का सीरियसली कोई अमल दखल नहीं। वो बेचारी तो अपने दिल के हाथों मजबूर थी। असल कल्प्रिट तो वो लड़का था जिसने उसको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था। वो तो शुक्र है कि मुझे वक्त पे सब बातें पता चल गई। इनफैक्ट वो तुम्हारे रिश्ते के लिए भी उसी लड़के की वजह से मानूर ने मना किया था। माय पॉइंट स्टिल स्टैंड्स। मानूर का अफेयर चल रहा था और आपने अम्मी को उसके रिश्ते के लिए राजी किया। तुम्हें लगता है अगर मुझे ये बात मालूम होती तो मैं पप्पो को इस रिश्ते के लिए कन्विंस करता? मुझे तो तब पता चला जब तुम्हारा निकाह उससे हो चुका था, तब कुछ हो नहीं सकता। खैर भूल जाओ उस बात को, दैट्स हिस्ट्री। तो तुम्हारी बीवी है वो, और वो किस्सा तो खत्म हो चुका। रिलैक्स। और वैसे भी कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे ये मकाना हरकतें हो जाती हैं, तुमसे भी हुई होंगी। मेरा नहीं ख्याल इसका कोई इतना बड़ा इशू खड़ा करने की जरूरत है ना। He's gone. You're right. किस्सा खत्म हो गया। Yeah, gone. ये ले अम्मी। अब ये जेवर है, अम्मी अपनी मर्जी से इनके साथ जो करना चाहे कर सकती हैं। मुझे रिजेक्ट क्यों किया था, इसकी वजह मैं जान चुका हूं। यहां तकलीफ होती है। Thank you.
मानूर। जी वो अंदर है, मैं आपको मिलवाती हूँ, आ जाए। जो भी काम हो ना मैं जरा मसलूक हो जाऊंगी, तो ठीक है वहां पे जाके देखूंगी। बाजी वो आशीर भाई आए। अरे आशीर बेटा कैसे हो, सब सब खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम। सलमा जाके जल्दी से चाय का इंतजाम करो। कोई जरूरत नहीं है, मैं मानूर से मिलने आया हूँ। नहीं 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 ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम मानूर आपी को कल मायूं तो बिठा चुके हैं, और अब आपका और उनका पर्दा है। मुझे भी ये लगता है कि कुछ बातें शादी के बाद हो जानी चाहिए। भाभी मैं मानूर से मिलना चाहता हूँ, जरूरी है। अच्छा जी। रमशा ऐसा करो माही को यहीं पर ले आओ बेटा। ठीक है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं मानूर से अकेले में बात करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसके कमरे में चला जाऊं। अच्छा ठीक है, रमशा ले जाओ बेटा, जाओ आइए। आप ही आशीर भाई। कोई जरूरी बात करनी है। मुझे तो लग रहा है वो आप ही को इतना मिस कर रहे थे ना कि खुद ही आ गया। आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया था? इसकी वजह मैं जान चुका हूँ, और फ्रैंकली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसी के साथ इन्वॉल्व थी या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था। लेकिन एक चीज है जिससे मुझे फर्क पड़ता है, तुमने मुझे रिजेक्ट किया था। यहां तकलीफ होती है, तुमसे अपनी इंसल्ट का बदला लेने का इरादा तुम्हें बहुत पहले कर चुका था, क्योंकि तुम्हारे जैसी घमंडी और मगरूर लड़की के साथ मैं अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो मिसेज मानूर, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। ये आशीष सुबह सुबह माही से क्या बात करने आया है? अल्लाह करे सब खैरियत हो। तलाक देता था। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मेरी मम्मी, ये नहीं कर सकते। नो आशीर भाई। अरे आशीर, बात हो गई तुम्हारी माही से बेटा? आशीर 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 बेटा बात सुनो। आशीर मेरी बात तो सुनो बेटा। ये क्या क्या हुआ है? ये बात किए बगैर क्यों चला गया?
अरीबा मेरा दिल घबरा रहा है। अम्मी आप रिलैक्स करें, पानी पिलाने के लिए जाओ जल्दी। अल्लाह अल्लाह सब खैर हो। मानूर से बात करती हूँ, आप इधर बैठिए। मानूर वो आशिर ने मुझसे उसके इंसल्ट का बदला ले लिया। वो मुझे तलाक देकर चल चल क्या? तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ, जानती हूँ। आशीष मुझे, आशीष मुझे तलाक देकर चला गया। क्या? क्या? ये क्या? क्या कह रही है? ये क्या कह रही है? अम्मी, 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 तो ये लड़का मुझे कुछ बता कर नहीं चाहता। जब दिल किया बस मुंह उठाए निकल गया। जानता भी है कि शादी वाला घर है, 100 बखेड़े होते हैं इसमें, मगर नहीं, इसे तो ये एहसास भी नहीं है कि इसकी अपनी शादी है। अब तक बारात की शेरवानी तक नहीं खरीदी है इसे। कहां थे तुम इतनी सुबह सुबह? एक हिसाब चुकाने गया था। हिसाब? कौन सा हिसाब? और तुम्हारा क्या किसी से उधार है? उधार ही था, मेरी इंसल्ट थी, वो उधार था, मैंने चुकाना था। क्या पहेलियां मुझफा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ क्या बात है। अरे भाई, महनूर को तलाक दे के आया हूँ। क्या, ये क्या कह रहे हो? कल तुम्हारी शादी है। ओवर रिएक्ट ना करें। तो उस घमंडी और नकचड़ी लड़की से शादी करने का इरादा तो था ही नहीं पहले से। मुझे पूछे बगैर आपने डेट्स भी फिक्स कर दी, शादी भी फिक्स कर दी। लेकिन अब जो मुझे उसके किरदार के बारे में पता चला है, तो ये तो मुमकिन ही नहीं था कि मैं उसे अपना नाम दे दूं। तो उसमें खत्म करके आ गया भाई, वो रिएक्टिंग सो मच। आशिर, ये क्या किया है तुमने? सब ठीक तो है ना? बीपी बहुत हाई है इनका, कुछ टाइम लगेगा नॉर्मल होने में। बाकी ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस और शॉक में है, कोशिश करें इन्हें परेशानियों से दूर रखें। बीपी मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी है, अगर इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो तो इन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा। मैं कुछ दवाइयां लिख देती हूँ। सुने, आप उपो से बात करें। आशीर ऐसे कैसे कर सकता है? उनसे तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी तो मुझे खाला की फिक्र हो रही है। डॉक्टर साहिबा, अम्मी कैसी है? इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। मैंने मेडिसिन लिख कर दे दिए और डिटेल से समझा दिए। कोशिश करें उन्हें परेशानियों से दूर रखें, मजीद टेंशन ना दें। थैंक यू डॉक्टर, आइए मैं आपको। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, एकदम से इतनी मुसीबतें आफतें कैसे आ गई। अम्मी, महनूर का
किसी लड़के के साथ अफेयर? नहीं नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे? नहीं, तुम भला मुझसे क्यों झूठ बोलोगे? अगर इतना बड़ा फैसला, वो भी बगैर सोचे समझे, मुझे ही बता देते, मैं जाती, खुद उन लोगों से जाके बात करती, सब कुछ चुपचाप करके आप ही गए हो। क्या बात करती आप उन लोगों से? मुझे मानूर से शादी करनी ही नहीं थी। अगर शादी नहीं करनी थी तो निकाह क्यों किया तुमने? क्यों तुमने सकलैन और अरीबा को मजबूर करके मानूर को राजी किया इस निकाह के लिए? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। जिंदगी में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई मेरी इंसल्ट करे और मैं उसका बदला ना दूं। मानूर ने मुझे रिजेक्ट किया था किसी और के लिए, इंसल्ट में कैसे बर्दाश्त कर सकता था। ले लिया बदला मैंने, इट्स गॉन। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर सकलैन, इट्स ऑल गॉन। मगर अब मैं सकलैन को क्या जवाब दूंगी और उन लोगों को क्या बताऊंगी जो कल तुम्हारी शादी में आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं? सकलैन को जवाब देने की जरूरत नहीं है, सकलैन से वजाहत मांगिए कि क्यों उसने अपनी साली के किरदार पर पर्दा डाल के हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। और लोगों को कह दीजिएगा लड़की किरदार की हल्की थी, पुराने आशिकों से मिला करती थी, तोड़ दिया रिश्ता। इट्स डन एंड डस्टेड, केस क्लोज्ड। वजाहत तो मैं मांगूंगी सकलैन से, अच्छी तरह मांगूंगी। हाँ, ये मोहब्बत करके हम पछताए, दिल लगा के तुमसे बस दर्द ही कमाए। मैं तुम्हें तुमने ठीक नहीं किया सकलैन। अव्वल तो ये जो भी महनूर का किस्सा है ना, ये तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, ताकि मैं उसका रिश्ता ही ना लेने जाती। और अब अगर ये बात निकल ही आई थी तो आशिर से क्यों की? मुझे बता देते। फूफा, मुझे क्या मालूम था कि आशिर ये सब कुछ करेगा? मैंने तो वैसे ही आशिर से महनूर के बारे में शेयर किया था कि उसको उसकी जिंदगी के बारे में मालूम होना चाहिए, उसकी बीवी थी वो। तो मुझे लगा था कि वो बहुत आला जरफी का मुजाहरा करेगा, लेकिन ये तो तुमने बड़ी अजीब बात कह दी है। एक मर्द को अपनी बीवी का किसी दूसरे मर्द के साथ माशका सुनने को मिले और वो ये बात यूं ही पी जाए। तुम बताओ, तुम दिखा सकते हो ये आला जरफी अरीबा के मामले में? आप अरीबा का नाम बीच में क्यों लेके आ जाती हैं? बीसियों दफा मैंने आपको समझाया कि मानूर और अरीबा में बहुत फर्क है। तो तुम क्यों लेकर आए अपनी साली का रिश्ता? तुमने क्यों मुझसे उम्मीद लगाई कि मैं अपने अकलौते लायक फायक बच्चे का रिश्ता ऐसी लड़की के साथ करूंगी जिसके किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हो? अरे पुप्पो, गलती हो गई मुझसे, नेकी करने चला था, बुराई मेरे सर मंडी गई। या आप मुझे बातें सुना रही हैं, वहां पे अब अरीबा के घर वाले मुझे बातें सुनाए। अरे किसकी मजाल है जो तुम्हें बातें सुनाए? करतूत तो उनकी अपनी बेटी के ठीक नहीं है और बातें वो तुम्हें सुना रहे हैं। अरे पुप्पो, समझने की कोशिश करें, उनपे भी दुख तकलीफ का वक्त आया है। ये उनकी बेटी को तलाक हुई है, खाला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो इस दुख के साथ दुनिया से ना चली जाए। वैसे यही कहते हैं इस मौके पर कि इंसान हमेशा नेक और साले औलाद की उम्मीद लगाए अल्लाह ताला से। और सच बताऊं तो तुम्हारी सास के लिए तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी। मगर मैं तो यही चाहता हूँ, मानूर का झुका हुआ सर और उसके चेहरे पे हार देखना चाहता हूँ, और मेरा ये मकसद आशिर की बदौलत पूरा हो गया। खैर हुको, अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो चुका है, तीर कमान से निकल चुका है, अब हम उसे मोड़ नहीं सकते। बेहतर यही होगा कि अब हम इस हकीकत को तस्लीम करें।
ये लीजिए। क्या है ये? तलाक के पेपर, मानूर को दे दीजिएगा। तुम्हारे अंदर के जिद्दीपन को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता था, मगर इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा करोगे इसका अंदाजा नहीं था। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि आप मेरी सीधी साधी माँ को अपने ससुराल वालों के चक्कर में बेवकूफ बनाएंगे। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो जहेज और प्रॉपर्टी के लालच में धोखा भी सह लें। मैंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया है, मुझे वो सब बातें अभी पता चली। और वैसे भी तुमने मानूर को तलाक उसके अफेयर की वजह से, अपने रिश्ते के रिजेक्शन की वजह से, ठीक कह रहा हूँ, मेरी गलती है, मुझे तुम दोनों के रिश्ते की बात चलानी ही नहीं चाहिए। हाँ, इस नए रिश्ते के चक्कर में पुराने रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। अम्मी, क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? ये क्यों हो गया माई? ये सब मेरे नसीब में था। आशीर ने क्यों किया तुम्हारे साथ ऐसा? सकलेन कहाँ है? सकलेन से कहो जाकर अपनी पप्पी से कहे ना कि आशीर रुखसती से पहले तुम्हें तलाक देकर क्यों चला गया? क्यों चला गया तू? प्लीज संभाले खुद को। सकलेन भाई वही होंगे। इस सब से क्या होगा? लड़ाई, झगड़ा, तल्खी? नहीं भाई, नहीं। क्या हो गया भाई? प्लीज मैं अब रोए मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज संभाले खुद को। देखे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही तो कहती हैं कि जो नसीब में लिखा होता है उसे बदला नहीं जा सकता। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। जी सब रोए मत। माना।